आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। चलो भाई। दलाल। हालांकि आपको बता दें कि पीएम मोदी को मशरूम काफी पसंद है। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहां से वहां चला जाए, कुछ अच्छा करने के लिए जमकर मेहनत करे, पसीना बहाए, जिसके लिए आराम हराम हो, वो कहलाता है सुपरमैन। मजा नहीं आ रहा है। दलाल। सर, अमेरिका का दलाल बहन तो। ₹303 नाम का 303 टैबलेट का है या 303 कैप्सूल का है या वयाग्रा का है? इतना छोटा पहले कभी नहीं। साहब चंगासी, वो इंजिमाम उलग जो हार जाता था ना मैच, फिर बोलता था बॉयज विल प्ले इट बॉयज, अगड़ा बड़ा बड़ा, ये हाल हो रखा है आज की तारीख में। मर्यादित तरीके से डिबेट करें। बहुत तरीके से चल रहा है साहब। चलिए मान लीजिए कि मैं बुरा आदमी, आप रुक जाइए ना। मेरा पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि सेक्युलरों का, कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है, जनता माफ नहीं करेगी। शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे, क्योंकि 300 से जायद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। वो वैसे जी उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी। अच्छा तो वो सेक्युलर नहीं है, मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है, अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेक्युलर थे ना कभी रहेंगे। मैं बहुत अच्छा है कभी ने, कभी ने, कभी ने, मैं बहुत लेकिन इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस वाली 159 साल पुरानी परंपरा तोड़ दी है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने इसकी वजह बताई कि ये पश्चिमी विचारों की गुलामी से बाहर निकलने का प्रतीक है। सूटकेस खत्म हो गया, उसकी जगह पोटली ने ले ली। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर यानी 340 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का ब्लूप्रिंट पेश किया है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। मोदी के गोरेपन के पीछे करोड़ों के मशरूम का दम, हर ताइवान के मशरूम ने बढ़ाई मोदी के चेहरे की रंगत। ₹1000 के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ। अगर आपको इस बात की आशंका है कि आपके शहर पर परमाणु हमला हो सकता है तो अपनी जानकारी में किसी सुरक्षित बेसमेंट में कम से कम 14 से 20 दिनों का राशन जरूर रख। खाने पीने के सामान को रेडिएशन से बचाना बहुत जरूरी होता है और पीने के पानी के लिए भी यही सावधानी बरतनी होगी। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया, पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको ये बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों। समझते थे तुम्हारी माँ का चंदन, समझते थे बहुत सड़ी वाले। मुझे भी सरप्राइज है, आपको तो क्या होता होगा भगवान। आनंद बाजार पत्रिका और आपका नाम है रूबिका। देखिए, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, देखिए मैंने अभी बैठे बैठे आपको बता दिया, पत्रिका और रूबिका। देख रहे हैं आप, यह है मेरी बातों की सच्चाई। तो मैंने कहा इसमें प्यार की वो झलक नहीं देखी होगी जो मैंने देखी। ए मोहब्बत आ गई, ए अबू। मैं भी कई बार ऐसा होता है, थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड, आप थकते क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? Are you ready to hear a
स्वामी साहब जी मैं आई एम रेडी टू हियर स्वामी साहब कहीं से शुरू किया कहीं खत्म की के प्रति जो मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल नमस्कार आप देख रहे हल्ला बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम आपका मूड है तो मेरा भी मूड है ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा लिख के रख लीजिए